नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक मेकअप ट्यूटोरियल लाए हैं आपके लिए। सिंस हम लोगों ने पहले एक वीडियो लास्ट ईयर बनाया था, उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंस भी करते हैं। पिछली बार वेडिंग का हमने बनाया था, लेकिन इस बार पार्टी वेयर में मेकअप सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने बालों को पीछे की तरफ रखना है, बिकॉज आपको अपने मेकअप पे ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो मैं यूज़ करूँगी वो है लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर, एंड आई यूज़ माई फिंगर्स बिकॉज प्रॉपरली अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। I don't prefer this sponge all the time, but I keep it, but I don't prefer the sponge all the time. अब मैं इसको gently अपने face पे लगाऊंगी। And then I'm gonna blend. इससे एक परफेक्ट बेस मिल जाता है फेस में। ये इतना पता नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत प्यारा परफेक्ट बेस क्रिएट करता है आपके फेस में, सो दैट उसके बाद आप जो भी लगाना चाहें, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, आप लगा सकते हैं। तो उससे प्रॉपरली हर चीज़ बहुत अच्छे सेट होती है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है मैं यूज़ करूँगी, आई डोंट प्रिफर फाउंडेशन ऑल द टाइम, बट या जैसे कि अगर वेडिंग हुई या कोई स्पेशल इवेंट हुआ, देन आई प्रिफर फाउंडेशन। ऐसे मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे का 9 to 5 cc क्रीम। क्वांटिटी आई विल टेल यू हाउ मच यू हैव टू टेक इट, जस्ट लाइक दिस मच यू हैव टू टेक इट एटलीस्ट। मतलब एक, अब इसको फिंगर में अपने लेके थोड़ा थोड़ा लगाते जाना है। अंडर आई थोड़ा ज़्यादा लेंगे बिकॉज अंडर आई कंसील करना रहता है। एंड देन आई एम गोना जेंटली रब इट। अब मैं प्रॉपरली फिंगर से लगा रही हूँ। Now, इसको प्रॉपरली स्प्रेड करना है। बिल्कुल भी जरा सा भी अगर आपको ज्यादा लगे कि ओवर लग गया है, ज्यादा मतलब लग गया है, तो ऐसे में आप हल्का सा कॉटन लें और उसको जेंटली अपने स्किन में डैप करें। सी यू कैन सी नॉट द डिफरेंस the how I look before the makeup and like after putting up a cream how I'm looking now. Now I'm gonna use this Miss Clear waterproof eyebrow pencil. Have a look. So इसको देखिए, आपको हमेशा अपने जैसे कि आपका हेयर कलर जैसा है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए आईब्रो पेंसिल। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मैं हल्का हल्का करके लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तो वो आर्टिफिशियल सा लुक देगा। आर्टिफिशियल लुक ना आए उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब इसमें जैसे कि इस आईब्रो पेंसिल में एक ब्रश भी प्रोवाइडेड है, सो वी कैन जस्ट जेंटली डू लाइक दिस प्रॉपरली। ऐसे आप करके उसको प्रॉपरली सेट कर सकते हो। एज यू कैन सी हाउ डिफाइन द आईब्रोज लुक आफ्टर अप्लाइंग एंड यूजिंग दिस मिस क्लेयर आईब्रो पेंसिल। मैंने ये मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स नायका से लिए हैं, नायका में स्पेशल ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो डू चेक द लिंक। प्रोडक्ट की डिटेल्स आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि
कि if you want to go on a darker shade, जैसे कि मैंने अभी एक snake print dress पहनी है, तो इसमें I will prefer it to be like I have a variety of shades like this red lipstick and this one. This is purple. This is LA 18 ColourPop matte. And this one is Glossy matte lipstick. But I would prefer to go on a darker shade because it will enhance my beauty. Now I'm gonna use eyeshadow. I have this Swiss Beauty exotic color eyeshadows. So I'm gonna use this one. This is Western 12 exotic color eyeshadows. So I'm gonna use this for the first time. Let's see how it's gonna be. It is so beautiful. Just see the shades. It's so freaking beautiful. I guess I should go for this one. So now for applying the eyeshadow, we need to take a bit of. ये बहुत अच्छा trick है. So if you don't want to use any other powder or something for caking or something, तो आप हल्का सा foundation ले, or any CC or BB cream you can use, और उसको हल्का हल्का अपने आँखों में ऊपर लगा लें, and then gently उसको आप ऐसे ऐसे spread कर लें. Now you can properly इस अपने आँखों में आप eyeshadow को apply कर सकते हैं because वो set हो पाएगा. ज़्यादा देर ना करें इस पे and now use the eyeshadow. The color is so nice. It is so natural. मतलब इतना प्यारा फील आ रहा है, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है. एंड दिस इज गोइंग विद द लिपस्टिक शेड. See how beautiful it is looking. At the same, I'm gonna do it on my left eye. So yeah, I'm done with it. So I'm gonna use this hyper glossy liquid liner. ये मेरा 3 साल से favorite liner है. ये बहुत अच्छा है. And ये नायका में भी available रहता है. So मैं कुछ खास नहीं special करूँगी. Just थोड़ा सा wing liner. So I'm gonna just make a wing. And I'm done. So like that way, I will do it in the other side also. Now for the hair part, I'm gonna do it simply like pyara sa. Keep it a secret. Keeping it a secret right now. Just have a look at it. मैं अपने बालों को पहले पीछे कर लूँगी. I've already brushed my hair properly, so. एक बार हल्का सा ऑफ ब्रश करके
बालों को पीछे ले जाएंगे एंड देन आई एम गोना टेक इट लाइक दिस हल्का सा पार्ट ऑफ हेयर आई विल टेक इट एंड देन थोड़ा सा पफिनेस आई विल क्रिएट देन आई विल पुट अ क्लिप दिस इज ऑल आई एम गोना डू विथ माई हेयर. See how clean and cute it looks. So I'm done.